Hi everyone, welcome to the official channel of St. Thomas School, Tandama. So now the second class of first chapter, number system. So I will start your irrational number of class 9, math. So irrational number, आप लोगों को rational number के बारे में बता दिए थे. Rational number क्या होता है? Rational number p by q के form में होता है, but p and q are इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे हमें उसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर समथिंग डिफरेंस होता है उसे, लेकिन ये देखिए डिफरेंस क्या होता है. अ नंबर व्हिच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर जो होता है ना, वो डेसिमल के बाद रिपीट करता है कंटिन्यूअस, और ना ही टर्मिनेटिंग होता है. टर्मिनेटिंग का मतलब वो डेसिमल के बाद वैल्यू एंड करता है, ना तो वो एंड करता है और ना ही वो टर्मिनेटिंग रिपीट करता है. तो इस टाइप से इसका एग्जांपल देखेंगे. मेरे पास एग्जांपल क्या होगा, 0. देखिए 0.02002, यानी इसमें 1 times, इसमें 2 times, यहाँ पे 3 times 0 था. तो ये जो इसका मतलब ये कर रहा है, आप 0.33 ये कंटिन्यूअस क्या है, रिपीट कर रहा है. तो इसे हम लोग नहीं बोल सकते कि ये, इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे. और इस टाइप से हम आप लोग को पिछली क्लास में बता चुके थे कि 0.3 पे रैक ऐसे करके डाल सकते, बार का साइन दे सकते. और इसका हम रेशनल नंबर में कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बता चुके हैं. तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा. इरेशनल नंबर इस टाइप से होगा, ये भी जो मेरा होगा, देखिए कंटिन्यूअस रिपीट नहीं कर रहा, इरेशनल नंबर होगा, जिसका स्क्वायर वैल्यू एडजेक्ट नहीं आएगा, रियल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर. जैसे √2 इरेशनल, अब ये मत बोलो √3, ये भी इरेशनल है. अब √4 को मत बोलिएगा इरेशनल, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, इरेशनल होगा. तो ये भी इरेशनल, ये इरेशनल, जिसका स्क्वायर वैल्यू नहीं निकलेगा वो मेरा वैल्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ ए इज रेशनल एंड √b इज इरेशनल, देन इच वन ऑफ, मतलब हमारे पास ए जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है, बट √b क्या है, मेरे पास इरेशनल नंबर है. अब ये दोनों को प्लस करेंगे, ए प्लस √b, ये मेरे पास क्या होगा, इरेशनल होगा. मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास इरेशनल होगा. अगर उसको सबट्रैक्ट भी करेंगे तो भी क्या होगा, इरेशनल होगा. अगर वो दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी मेरे पास इरेशनल होगा, डिवाइड भी करेंगे तो भी मेरे पास क्या होगा, इरेशनल होगा. लेकिन समथिंग कुछ कंडीशन में वैसा टर्म आएगा, जैसे मेरे पास, आप लोग ये देखिए एग्जांपल के फॉर्म में बता रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास 2 इरेशनल नंबर की बन जाएगा. जैसे ये 2 + √3, ये मेरे पास क्या है, इरेशनल है, क्योंकि ये √3 का टर्म आ गया, इरेशनल हो गया. और एक मेरे पास क्या होगा, 2 - √3, ये भी मेरे पास क्या है, इरेशनल है, क्योंकि √3 का टर्म आ गया. जहां पे स्क्वायर रूट का टर्म प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड में आ जाएगा या इस टाइप का आ जाएगा नंबर, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + √3 और +2 - √3, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस साइन ये माइनस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2 - 4, तो ये मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर. अगर इस टाइप से रहेगा मेरे पास वैल्यू, तो ये दोनों का सम क्या, ये दो रेशनल का सम कितना हो जाएगा, इरेशनल होगा. अगर मेरे पास डायरेक्ट एक रेशनल एक इरेशनल है तो दोनों में से क्या होगा, इरेशनल. तो किसी भी पॉइंट पे तो ये मेरा क्या होगा, दो इरेशनल का सम मेरे पास रेशनल होगा. लेकिन दो इरेशनल अगर यहाँ पे मेरे पास ये रेशनल हो गया, मतलब दो इरेशनल का सम रेशनल हो गया. अगर यहाँ पे 2 + √3 हो जाए और ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरा इरेशनल हो गया और ये भी मेरा 3 + √3, ये भी मेरे पास इरेशनल है, दो इरेशनल है. अब ये दोनों का सम करते हैं, 2 + √3 और +3 + √3, तो क्या होगा, 3 - 5 और 3 + √3, तो क्या हो जाएगा, 2 √3. मतलब दो इरेशनल का सम कभी क्या हो जाएगा, मेरा इरेशनल, ये मेरा इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा और ये मेरा रेशनल बन जाएगा. तो इससे आपको क्या पता चला,
अगर कहीं पे भी इस टाइप का अगर दो इरेशनल नंबर हो तो दोनों का सम करेंगे तो वो रेशनल आ सकता है, या दो इरेशनल नंबर हो अगर वो दोनों को सम करेंगे तो इरेशनल आ सकता है। तो इरेशनल की कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल है, मतलब अगर टू इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर भी आ सकता है, और दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन अप्लीकेबल होगा, समझ गए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पे उसके बेसिस पे इरेशनल नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। पर इफ ई एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, दो मेरे पास क्या है रेशनल नंबर है लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट है, तो इसमें हमें दो रेशनल नंबर के बीच में हमें एक दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बोलेगा फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ए और बी दो रेशनल नंबर है और वन रेशनल नंबर दोनों डिफरेंट रेशनल नंबर है, वन रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर क्या होगा, तो दोनों का सम और टू से डिवाइड कर देंगे, बोले तो एवरेज निकाल देंगे तो हमें क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, यानी ए प्लस बी बाई टू इज अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन ए एंड बी, और ये पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं। वैसे सेम कंडीशन अगर इरेशनल के लिए बोलेगा, अगर ये दोनों रेशनल के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, वैसे सिंपल स्क्वायर रूट ए बी कब होगी, तो ये मेरा क्या होगा, अगर दो रेशनल नंबर ए और बी है तो दोनों का प्रोडक्ट करके और उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे देखते क्या होगा, फाइंड टू रेशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। हमारे पास ये दो जो है ये मेरे पास क्या है इरेशनल नंबर है, रूट टू भी है और रूट थ्री ये क्या है इरेशनल नंबर है, दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना, सॉरी दो रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर। तो इसके लिए क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दो इरेशनल नंबर को लिख दिए, तो ये रूट टू का वैल्यू होता है 1.414141421356 ऐसे डॉट डॉट, मतलब ये कंप्लीट नहीं होता, तो ये इरेशनल नंबर का वैल्यू होता है। और ये फिर रूट थ्री का वैल्यू 1.7320 ऐसे करके इस टाइप से इंक्रीज करते जाता है। तो हमें क्या करना था इरेशनल नंबर देना था, पहले रेशनल निकालते हैं, तो ये 1.414 था तो हम ये पॉइंट वाला 1 डिजिट ले लेते, 1.4 ले लेते, 1.4 ले लिए और इसमें 1.7 ले लिए, तो ये 1.7 है। अब ये दोनों के बीच में 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 और 1.6 आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा दो इरेशनल नंबर हो जाएगा, दो इरेशनल नंबर हो जाएगा दो इरेशनल नंबर के बीच में। तो रूट टू से 1.5 से लेस होगा रूट टू, और फिर रूट थ्री से वैल्यू होगा 1.6, इसलिए हैंस टू रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री आर 1.5 एंड 1.6। तो इस टाइप से दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब दो इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे हम। स्टूडेंट्स देखो, अभी टू रेशनल नंबर के बीच में टू इरेशनल नंबर के बीच में टू रेशनल नंबर, अब हमें टू इरेशनल के बीच में टू इरेशनल फाइंड करना। तो हमारे पास इरेशनल का जो था वो 1. क्या था, रूट टू का वैल्यू जो था सर, हाँ रूट टू का वैल्यू मेरा इतना था और रूट थ्री का वैल्यू कितना था, तो ये ले लिए 1.4 और 1.7, ये 1.4 और ये 1.7। अब इसके बीच में मेरे 1.5 और 1.6 जो था वो क्या था रेशनल नंबर। अब इसे जो डिनोट करेंगे तो 1.5050500005 ये मेरा क्या हो गया इरेशनल हो गया। सेम कंडीशन ये भी मेरा क्या हो गया इरेशनल हो गया, मतलब रेशनल को ही इरेशनल के फॉर्म में ऐसे करके चेंज कर दिए, बार बार रिपीट नहीं करा, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं करवाना, उसमें कुछ गैप लेके उसके बाद रिपीट करवाना, तो ये मेरा क्या हो गया ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया। टू इरेशनल के बीच में टू इरेशनल नंबर हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया टू इरेशनल के बीच में ये इरेशनल नंबर, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही बोलता है ये दोनों इरेशनल के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ए भी कर देते, मेरा क्या आ जाता आ जाता यहाँ पे इरेशनल नंबर। अगर इसके बेसिस स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास ये है वो इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन दिए, आपको इसे सॉल्व करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर तो चूज करना है कौन सा होगा, तो ये सर स्क्वायर रूट में वैल्यू दे रखा है, जिसका स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड मतलब फाइंड आउट हो जाएगा वो इरेशनल होगा, और जिसका स्क्वायर रूट से वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगा वो इरेशनल होगा। तो आप करके बता सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल वेदर द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, इसे भी आप लोगों को सॉल्व करके, जो सॉल्व करने वाला हो उसे सॉल्व करना, जो नहीं होगा वैसे
करने देना और बताना है तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। देन द फाइव टू रेशनल एंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.5, ये दोनों नंबर के बीच में हमें क्या करना है, टू रेशनल और टू इरेशनल नंबर करना। तो ये 0.5 है तो 5 के बाद कुछ नहीं, तो 0.0 पुट करके आप क्या कर सकते हैं 0.50 और 0.55 ये दोनों के बीच में इरेशनल और रेशनल टू फाइंड कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5 by 7 and 9 by 11। तो ये दो रेशनल नंबर है, दोनों के बीच में दो तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करना। आप लोग उसी तरीके से फाइंड कर लीजिएगा, पहले डिवाइड करके और इसे फाइंड कीजिएगा कितना वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो आप लोगों का क्लास ये यहीं तक एंड होता है और आप लोग जरूर सब्सक्राइब लाइक और कमेंट किया कीजिए, इससे पता चला हमें कि आप लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में पीएस जरूर लिखिए और आप लोगों का जो डाउट हो रहा है, लेकिन डाउट के लिए आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, फिलहाल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और कमेंट किया कीजिए। सो थैंक्स एवरीवन।